हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ममास किचन में। आज मेरे किचन में बना है काठियावाड़ी खाना। आपको नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा ना। काठियावाड़ी खाना यानी कि गुजराती खाना। आज मैंने स्पेशली बनाए हैं बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी मैंने स्टफ़ करके बनाई है, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही आसान है। आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। अगर आपके बच्चे बाजरे की रोटी नहीं खाते ना, वो बच्चे भी ये रोटी ज़रूर खाएंगे, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स, आपके लिए नई नई रेसिपी लाने का हौसला बढ़ जाता है जब आप उसे पसंद करके लाइक करते हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भरवा बाजरे की रोटी की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं स्टफिंग की सामग्री। यहाँ पर मैंने 15 से 20 कली सूखे लहसुन के लिए है और 8 से 10 कली हरे लहसुन के लिए है। यहाँ पर ज़्यादातर हरा लहसुन ही यूज़ किया जाता है। एक कटोरी हरे कांदे का वाइट पार्ट जो है वो मैंने लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। साथ में ली है मैंने एक कटोरी जितनी सूखी प्याज को, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक कटोरी ली है पत्ता गोभी बारीक चॉप करके। एक कटोरी हरे प्याज के पत्ते लिए हैं बारीक चॉप करके। और ये है लहसुन के पत्ते, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। अब चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर मैंने मिट्टी के बर्तन में ही ये स्टफिंग बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मिट्टी का बर्तन लिया है। और स्टफिंग हम लोग देसी घी में बनाएंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मक्खन हो घर का बना हुआ तो उसमें बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक टेबल स्पून जितना देसी घी लिया है। घी गर्म होते ही उसमें पहले लहसुन हम लोग सौते करेंगे। लहसुन को ब्राउन होने तक हमें भूनना है, ताकि उसमें कच्चेपन की जो खुशबू है वो निकल जाए। अब तीखेपन के लिए यहाँ पर मैं बारीक कटी हुई मिर्ची ऐड कर रही हूँ। 4 से 5 मैंने मिर्ची ली है। आप चाहे तो सूखी लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी मैंने सौते कर लिया है, सिर्फ 1 मिनट तक चला लेंगे। अब उसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो इसे बिना प्याज लहसुन भी बना सकते हो, मगर अगर खाते हो तो बाजरे की रोटी के साथ प्याज और लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब हल्का सा उसे सौते कर लेंगे। अब उसमें ऐड कर देंगे पत्ता गोभी और साथ में जो हरा प्याज था उसको भी ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी कम हल्दी ऐड करनी है। अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें हाई पे ही रखनी है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है, उसे गर्म होने में समय लगता है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक ऐड करने के बाद तुरंत पत्ता गोभी और प्याज में से पानी छूटता है, तो गैस की फ्लेम हाई करके उसको सौते करेंगे। पत्ता गोभी अच्छे से पक चुकी है, तो अब उसमें लहसुन के जो हरे पत्ते थे काटे हुए वो ऐड करेंगे और प्याज के जो पत्ते थे हरे वो भी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी है, हमें सब्जी की तरह नहीं पकानी है, हल्की सी कच्ची पक्की रखनी है। अब देखिए हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये पक जाता है। अब स्टफिंग जब तक ठंडा हो जाता है तब तक हम लोग आगे की प्रोसेस करें। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना बाजरे का आटा लिया है। थोड़ा सा उसमें नमक ऐड करेंगे और ज़रूरत अनुसार पानी ऐड करके हम लोग उसका एकदम सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी बाजरे का रोटला या रोटी बनाओ, एक एक रोटी का ही आपको आटा गूंदना है, ताकि रोटी हमारी एकदम सॉफ्ट और अच्छी बने। और आटे को इतना गूंदें ताकि आटा एकदम सॉफ्ट और एकदम मुलायम हो जाए, तभी हमारी रोटी अच्छी बनेगी। उसको थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आप ऐसे ही गूंदते जाए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे ही आपको गूंदना है। बाजरे के आटे को जितना मसलेंगे रोटी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। अब रोटी हमारी तैयार है, तो चलिए अब आगे की प्रोसेस करेंगे। उसको हाथों में लेकर ऐसे अच्छे से गोला बना लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से ये रोटी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, पहले तो मैं हाथों से ही सिखाती हूँ। अगर आपको हाथों से नहीं आता तो आप वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, मैं आगे दूसरी तरह से भी सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने हाथों से ही अपनी उंगलियों से दबाते हुए मैंने उसको कटोरे के जैसा शेप दिया है। अब बीच में हम लोग उसमें स्टफिंग भरेंगे। ये रोटी की परत जो है हमें मोटी रखनी है, नहीं तो हमारा जो स्टफिंग है वो भरते समय वो फट जाएगी। अब उसमें स्टफिंग मैंने भर लिया है, तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। स्टफ की हुई रोटी को हम लोग चकले पे ले लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा पहले छिड़क ले और बहुत ही हल्के हाथों से आप उसे कवर कर लीजिए। जैसे हम लोग स्टफ पराठा कवर करते हैं वैसे ही इसे करना है, मगर ये जो आटा होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से उसको कवर कीजिए।
कहीं से भी हो उसे खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो जब भी हम लोग उसको बनाएंगे तब उसमें से स्टफिंग बाहर आ जाएगा। उसमें जो दरारें हैं अपनी उंगलियों से थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर उसको अच्छे से सील कर दें। ध्यान रखना है बाजरे का जो आटा हमें गूंदना है वो बहुत ही सॉफ्ट गूंदना है, अगर वो थोड़ा सा टाइट या कड़क रहेगा तो ये जो स्टफिंग करते समय वो टूट जाएगा, फट जाएगा और स्टफिंग हमारा बाहर आ जाएगा। तो चलिए स्टफिंग भर लेंगे। स्टफिंग आप अपनी मर्जी के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा ज़्यादा भरेंगे, ये रोटला का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब वापस हल्के हाथों से उसी तरह हम लोग उसको कवर करेंगे। स्टफिंग को कवर करने के समय पे बहुत ही खास ध्यान रखना है, बहुत ही हल्के हाथ से करना है और कहीं पर से वो खुला ना रहे, ऐसे आपको सील करना है। एक बार और टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप बाजरे का रोटला बनाएं, आटे को एक एक रोटला का ही तैयार करें, यानी कि एक साथ में सारा आटा नहीं गूंदना है, एक एक रोटला का ही हमें आटा गूंदना है। अगर आपको बाजरे की रोटी बनाना नहीं आता है तो मैंने दो तरीके से बाजरे की रोटी कैसे बनाती है उसका वीडियो बनाया है गुजराती चैनल पर, आप वहाँ पर आप उसे देख सकते हो, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अब देखिए जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही उसको उल्टा रखेंगे, उंगलियों से ही उसको थपथपाकर बड़ा करेंगे। ये देखिए अच्छे से मेरा रोटला तैयार है, उसको भी हम लोग वैसे ही सेक लेंगे जैसे पहले सेका था। फ्रेंड्स, इस बाजरे की रोटी के साथ खाने के लिए बहुत सारी काठियावाड़ी सब्जी मैंने मेरी चैनल पे अपलोड की है, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने स्टफिंग में पत्ते गोभी और प्याज का उपयोग किया है। आप अगर प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो मेथी या पालक का भी आप स्टफिंग कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया लगता है बाजरे की रोटी के साथ। फ्रेंड्स, मेरी हर नई रेसिपी के अपडेट्स आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए दूसरी स्टफ बाजरे की रोटी भी तैयार है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि अभी का अभी खाने का मन कर रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके आपके ओपिनियन ज़रूर दीजिए और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। सारी रेसिपी को आप गुजराती में देखना चाहते हो तो मेरी मामास किचन गुजराती को भी सब्सक्राइब करें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम मामास किचन।